नमस्कार, वीसी न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों। महामारी एक्ट का पालन करने में खोराबार पुलिस फेल। बारात में तमंचे पर मनबट के डांस की वायरल वीडियो ने खोली पोल। ऑर्केस्ट्रा की धुन पर बगैर मास्क असलेह के साथ घूम रहे हैं मनबट। डांस के दौरान बेअंदाज युवक ने नर्तकी की तरफ भी लहराया असलाह। शिनाख पर भी तमंचे पर डिस्को कर रहे युवक की नहीं हुई गिरफ्तारी। बीते मंगलवार को खोराबारा थाना के जंगल रामखलना में आई थी बारात। खोराबार थाना के प्रभारी ने प्रकरण की जाँच की बात कहकर झाड़ा पल्ला। पूरे प्रकरण की जानकारी के बावजूद खोराबार पुलिस लीपापोती में जुटी है। वही वायरल वीडियो को लेकर एसपी सिटी नगर सोनम कुमार ने एक वीडियो जारी कर बताया कि आरोपी जंगल रामलखना थाना खोराबारा जनपद का रहने वाला है। जांच पड़ताल की जारी है, जल्दी आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बताते चले कि 34 सेकंड की इस वीडियो में जो व्यक्ति कटा लहरा रहा है उस व्यक्ति का नाम विजय राजभर है। आइडेंटिफाई कर लिया गया, विजय राजभर नाम है उसका, वो जंगल राम लखना के निवासी है। इस संदर्भ में प्रभारी निरीक्षक खोराबार एवं चौकी प्रभारी रामनगर करजहा को लगाया गया इस काम में, जो उक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद आगे की बढ़ाने कार्रवाई की गई। बीसीएन न्यूज के लिए गोरखपुर से अरुण कुमार की रिपोर्ट। जिले के सुजानगंज विकासखंड के पथाना ग्राम पंचायत की पहली बैठक में ही शुक्रवार को जमकर लाठियां बरसाई गयी। ईट पत्थर वाले और कुर्सियों को हवा में उछालकर मारा पीटा गया। मामूली वाद को लेकर दो पक्षों में हुए इस भयंकर हंगामे से ब्लॉक प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इस वारदात में करीब दर्जन भर लोग घायल हो गए हैं। बैठक में शामिल महिला सदस्य किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। दोनों पक्षों की तहरीर लेकर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। जौनपुर जिले में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों की 26 और 27 को शपथ दिलाई गई। उसके बाद ग्राम पंचायत में विकास को गति देने के लिए शुक्रवार को समितियों के गठन के लिए बैठक बुलाई गई थी। इसी कड़ी में सुजानगंज ब्लॉक के पथाना ग्राम पंचायत की बैठक प्राथमिक स्कूल पर बुलाई गई थी। बैठक में कुल 11 सदस्यों में सिर्फ 4 सदस्य ही उपस्थित हुए, जिससे कोरम के अभाव में सचिव राम बहादुर ने प्रधान की सहमति से बैठक स्थगित करते हुए अगली तिथि पर बैठक कराने की बात कही। तत्पश्चात मौके पर उपस्थित गांव के लोगों ने इसका विरोध किया, तो देखते ही देखते स्कूल परिसर युद्ध का मैदान बन गया। दोनों तरफ से लाठी डंडे और कुर्सियां चलने लगी। इस वारदात में आशा देवी ग्राम प्रधान और राहुल पांडे ग्राम पंचायत सदस्य जो उनके विपक्षी है, दोनों तरफ से काफी संख्या में लोग चोटिल हो गए हैं। खबर लगते ही सुजानगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। बीसीएन न्यूज के लिए जौनपुर से ऋषभ तिवारी की रिपोर्ट। शातिर लुटेरों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। 10 अप्रैल को गुड़ व्यापारी को गोली मारकर बदमाशों ने की थी 6 लाख की लूट। पुलिस पर फायर कर भागने की कोशिश कर रहा था बदमाश। पकड़े गए बदमाश से 1,07,500 रुपए की नकदी सहित एक तमंचा व कारतूस बरामद। जनपद हापुड़ की थाना देहात पुलिस ने की गिरफ्तारी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादव ने अधिक जानकारी साझा की। पिछले माह हापुड़ देहात थाना क्षेत्र में व्यापारी के साथ मोटरसाइकिल सवारों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। हापुड़ देहात पुलिस तथा एसओजी टीम ए ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए लूट की घटना के मुख्य अभियुक्त विजय उर्फ गुड्डू को कल रात्रि को गिरफ्तार किया है। विजय उर्फ गुड्डू एक कुख्यात लुटेरा है, जिसके विरुद्ध 1 दर्जन से अधिक मुकदमे जनपद मेरठ, जनपद मुजफ्फरनगर में दर्ज है। इसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। बीसीएन न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। दिव्यापुर क्षेत्र के सटेगा हरचंदपुर नवनिर्वाचित प्रधान राजीव आर्या ने बढ़ाया ग्राम पंचायत हरचंद्रपुर का मान। मुख्यमंत्री की वर्चुअल मीटिंग में शामिल किया गया। मुख्यमंत्री से वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री के द्वारा विकास कार्य की मांग की है। कहा है कि हमारे क्षेत्र में अच्छा हॉस्पिटल, जिसमें की ऑक्सीजन से लगाकर आसपास के क्षेत्र को अच्छे डॉक्टरों का सहयोग मिले। वहीं पर प्रधान द्वारा मांग की गई है कि क्षेत्र में अच्छे स्कूल का होना भी अति आवश्यक है, जिसमें की क्षेत्र के गरीब असहाय बच्चों को पढ़ाया जा सके। वर्चुअल मीटिंग में प्रधान राजीव आर्या की अच्छी जीत के कारण मुख्यमंत्री ने बधाई दी। पहली बार क्षेत्र प्रधान की वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने का गौरव प्राप्त किया है। नव निर्वाचित प्रधान राजीव आर्या ने अपने क्षेत्र का मान सम्मान बढ़ाया है। बीसीएन न्यूज के लिए दिव्यापुर औरैया से संवाददाता की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने खेत तालाब योजना का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही लाभार्थी किसान के खेत पर पहुंचकर जिलाधिकारी ने श्रमदान भी किया है। आपको बता दें कि सूखे की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा खेत तालाब योजना का प्रचार प्रसार करने के लिए साथ ही लाभार्थी किसानों को इसका सीधा लाभ दिया जा रहा है। जिलाधिकारी महोबा ने जनपद में आते ही किसानों द्वारा किए जाने वाले पलायन को रोकने के लिए हर संभव प्रयास शुरू कर दिए है। जनपद महोबा के चरखारी विकास खंड में सुपा गांव पहुंचकर जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने खेल तालाब योजना का शुभारंभ किया है। इसी के साथ ही किसानों को जागरूक करते हुए उन्हें बेहतर खेती और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया है। जिलाधिकारी महोबा ने किसानों से इस योजना के तहत सीधा लाभ लेने की अपील की है। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने श्रमदान कर किसानों को इस योजना के लाभ बताए हैं। आपको बता दें कि जनपद महोबा से हर वर्ष हजारों परिवार सूखे के चलते अन्य राज्यों की ओर पलायन कर जाते हैं, जिन्हें रोकने के लिए डीएम द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार का मानना है कि अगर अन्नदाताओं के लिए सिंचाई के बेहतर साधन उपलब्ध करा दिए जाए तो किसानों के पलायन को रोका जा सकता है। इस मौके पर पूर्व सांसद गंगा चरण राजपूत उपस्थित रहे। लोगों को खेती के लिए पानी नहीं मिल पाता है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पाता है, पशुओं के लिए पानी नहीं मिल पाता है। इस चीज़ का जो सबसे अच्छा उपाय है वो है हमारा खेत तालाब योजना और तालाबों का उद्धार किए जाने की योजना। उसी के अंतर्गत माननीय पूर्व सांसद जी के सहयोग से हम लोग हर गाँव में तालाब खुदवाने का अभियान चालू कर रहे हैं और आज यहाँ सुपा गाँव में हम लोगों ने ये काम शुरू किया है। हर गाँव में 10-10 तालाब हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं। कुल मिला के पूरे जनपद में 2700 तालाब हम लोग जो है वो अगले आने वाले 2 महीने के अंतर्गत करवाएंगे। BCN न्यूज के लिए महोबा से नितिन नामदेव की रिपोर्ट। आइए अब एक नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। देवास जिले के कन्नौज में PSL कंपनी की कर्मचारी आशा मालवीय द्वारा सैकड़ों स्थानीय लोगों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई। PSL इंडिया लिमिटेड की निवेश योजना प्लस में पैसा लगाने वाले छोटे बड़े निवेशकों को उनकी मोटी कमाई वापस नहीं मिलने से क्षेत्र के रहवासी लगातार परेशान हैं। जगदीश चंद्र मालविया के द्वारा लोगों को लगातार भरोसा दिलाया जा रहा था कि आप 5 साल तक सालाना 12,000 रुपए जमा करें, आपको 5 वर्ष के बाद 1,00,000 रुपए वापस दिए जाएंगे। PSL कंपनी की यह योजना पूरी तरह कन्नौज की रहने वाली आशा मालविया के द्वारा लोगों को बताई गई और गरीब वर्ग के लोगों से घर घर जाकर कई सैकड़ों स्थानीय व्यक्तियों से लाखों रुपए लेकर उन्हें भ्रमित किया गया। लोगों की आवाज उठाने पर भी पैसा वापस नहीं किया गया। इस पूरे मामले को लेकर जब पत्रकार ने मोबाइल फोन पर आशा देवी से बात की गई तो ठीक तरीके से बात भी नहीं की। उनका कहना है कि इस पूरे विषय में हमने क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी और सरकार को भी लगातार अवगत करा दिया गया है। आशा देवी के पति जगदीश चंद्र मालवीय जो कि विद्युत विभाग में सरकारी कर्मचारी है, उनकी भी इस कार्य में अहम भूमिका रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या एक शासकीय कर्मचारी होने के नाते PCL जैसी लुटेरी कंपनी में जगदीश चंद्र मालवीय ने अपनी अहम भूमिका PCL कंपनी में क्यों निभाई? जहां सरकार एक ओर सतर्क है वहीं दूसरी ओर PCL जैसी कंपनी अपने कार्य से बाज नहीं आ रही है। स्थानीय लोगों से बात करने पर स्थानीय लोगों का कहना है कि इस कार्य की पूरी तरह से जिम्मेदारी आशा देवी पति जगदीश चंद्र मालवीय है। इतने समय के बाद भी सरकार में बैठे नेता एवं प्रशासनिक अधिकारी चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं? कहीं ना कहीं जिम्मेदार भी सवालों के घेरे में है। मैं कन्नौज तहसील में रहता हूँ। PGF के माध्यम से जगदीश मालवीय के द्वारा मेरे से 58,000 रुपये ले लिए हैं और मुझे 1,00,000 रुपये देने का वादा किया था और अभी तक मुझे पैसा नहीं दिया गया है इनके द्वारा। और इनके घर मांगने जाते हैं तो अभद्रता करते हैं और इनकी बीवी और ये दोनों पैसे देने से मना करते हैं और हर प्रकार से मतलब ये प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं ताकि हमारे पास ये पैसा मांगने नहीं आए। और PGF का पैसा इन्होंने मेरे अलावा अन्य लोगों से भी ले रखा है, कम से कम 500 लोगों से, और सब गरीबों का पैसा इनके पास है। इन्होंने इन पैसों से 3 मकान बना रखे हैं कन्नौज में, एक तो बाड़ी मोहल्ले में है, एक राधा कृष्ण कॉलोनी में है
और एक शिवधाम कॉलोनी में और एक इंदौर में मकान है और एक पशुपतिनाथ में इनका एक प्लॉट है और इन्होंने सब गरीबों से पैसा इकट्ठा करके और इन्होंने इनकी माली हालत सुधार कर ली है और ये शासकीय कर्मचारी होते हुए इन्होंने लोगों को धोखा दिया है पीजीएफ के माध्यम से। बस पर पीएसीएल लिमिट कंपनी के माध्यम से जगदीश मालवी मेरे घर प्रति माह 1000 रुपये लेने आते थे और ये विद्युत मंडल में शासकीय कर्मचारी है कन्नौज तहसील में ही। इनके द्वारा मुझे बोला गया है कि आप 58,000 रुपये जमा कर दीजिए, हम 1,00,000 रुपये आपको करके देंगे। हम इनके बहकावों में आकर हमने 58,000 रुपये जमा कर दिए लेकिन इनके द्वारा अभी तक पैसा नहीं दिया गया है। लगभग मेरे पैसे दिए के 10 साल होने पे आए हैं और ये व्यक्ति के घर हम जाते हैं तो ये हम पर प्रभाव डालता है इनकी बीबी के द्वारा और इनके द्वारा, ताकि हम लोग इनसे पैसा ना मांगे और अभद्रता करता है ये व्यक्ति। शासकीय कर्मचारी है ये और इनके द्वारा कम से कम 500 लोगों को गुमराह किया गया है और सबसे पैसा ले लिया है इन्होंने और कन्नौज में 3 मकान बना रखे हैं, एक बाड़ी मोहल्ले में, एक शिवधाम कॉलोनी में, एक राधा कृष्ण कॉलोनी में और एक पशुपतिनाथ कॉलोनी शासकीय कॉलोनी में इनका एक प्लॉट है और इंदौर में इनका एक बंगला भी है। ये बहुत संपन्न हो गया है लोगों के पैसे ले लेके। BCN न्यूज के लिए देवास से कैमरा पर्सन दीपक बैरागी, अजय दुर्वे के साथ अरुण उइके की रिपोर्ट। कटिहार में आज तूफान के कारण लगातार 20 घंटे से मूसलाधार बारिश के कारण नगर निगम इलाके में भीषण जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। गाड़ी यहाँ रख दिला, अरे सर इधर तो भयंकर लोड हो गया, भयंकर भर गया। शहर के सभी मोहल्ला में सड़क पर 2 से 3 फीट पानी है, वहीं कई मोहल्ले में लोगों के घर में पानी घुस गया है। यह नजारा है कटिहार के हवाई अड्डे शरीफगंज मोहल्ले का, जहां वर्षा के पानी से कई घर प्रभावित हुए हैं, जबकि सड़क पर पानी की तेज धारा से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले 20 वर्षों में पानी से इतनी बड़ी तबाही नहीं हुई थी जितनी 20 घंटों की लगातार मूसलाधार बारिश से तबाही हुई है, लेकिन नगर निगम के कोई नुमाइंदे लोग सुद लेने नहीं आए हैं। कटिहार से BCN न्यूज के लिए विमल कुमार की रिपोर्ट। BCN न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।